दिस इज गेट नंबर वन। यहीं से इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर आने के लिए आपको इसी गेट से एंट्री लेनी पड़ती है, गेट नंबर वन और गेट नंबर फाइव। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। तो अभी हम आए हुए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जामिया बीटेक कैंपस के अंदर। तो मैं सोचा क्यों नहीं जामिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के क्लासरूम का आपको टूर कराया जाए, क्योंकि अगर आप मेरा अभी तक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का क्लासरूम टूर ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप जामिया का कौन सा क्लासरूम, कौन सा डिपार्टमेंट आप देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए। जिस भी डिपार्टमेंट का कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उस डिपार्टमेंट का मैं ब्लॉग शूट करूँगा और आपको क्लासरूम टूर एक एक चीज़ दिखाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग जामिया बीटेक कैंपस। बीटेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मेन गेट है, लेकिन गेट अभी ये लॉक है, बंद है कोविड की वजह से। तो देखते हैं कि साइड वाला जो गेट है वो ओपन है या नहीं है। सो लेट्स गो। गेट नंबर वन से आते हैं तो हमारे राइट साइड में है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने का रास्ता और उसी के सामने यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, जहाँ पे अगर आप बाइक वगैरह से आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये भी एक रास्ता है पीछे से और ये भी एक रास्ता है। अभी हम इस रास्ते से अंदर जाएंगे। जब हम अंदर आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो इसके देखते हैं क्लासरूम वगैरह ओपन है या नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं और पीछे सफाई भी चल रही है, तो देखते हैं क्या सीन है। ये सारे प्रोफेसर्स ऑफिस हैं, ये सारे इधर आप देख रहे हैं। ऐसा है कि अभी क्लासरूम वगैरह ओपन नहीं है, सारे क्लासरूम अभी बंद है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर के साइड में और देखते हैं ऊपर क्लासरूम्स खुले हैं या नहीं खुले हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के। सो लेट्स गो। पहले हम इस साइड चलते हैं, इधर नीचे के साइड में देखते हैं कि खुला है या नहीं खुला है। फर्स्ट फ्लोर पे हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिलता है, तो लेट्स सी सम सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और हाँ यार, क्लासेस वगैरह बंद है। जब हम सेकेंड फ्लोर पे आते हैं तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, लेकिन वही बात यार, कोविड की वजह से क्लासरूम्स बंद है, लैब्स बंद है, कोई टीचर्स नहीं है, मतलब ऑफिस के ही सारे काम चल रहे थे, इस वजह से ब्लॉग शूट करने में अच्छे प्रॉपर बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। ये जो सारे आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, सारे सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के हैं, सारे बिल्डिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। और ये रहा हमारा पार्किंग, और इधर पार्क है, आप बैठ सकते हैं आकर। देखो यार, वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें देखकर वीडियो बनाना पड़े, इस वजह से पूरा डिटेल्स में मैं नहीं बना सकता वीडियो, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना शूट कर रहा हूँ। लेट्स एंजॉय। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है हमारा इंजीनियरिंग कैंटीन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंटीन ऑफ जामिया।
अभी मैं आपको ले चलता हूँ लाइब्रेरी की तरफ। तो दिस इज अ लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी लाइब्रेरी भी बंद है, क्लासरूम भी बंद है, लैब भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो सिर्फ मैं आपको इंटीरियर चीज़ें दिखा सकता हूँ, मतलब और सारे बिल्डिंग्स वगैरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी जब कॉलेज खुल जाएगा तो क्लासरूम वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी। ये भी छोटे छोटे कैंटीन है जहाँ पे आपको समोसे पेटीज वगैरह मिल जाते हैं। और ये है खूबसूरती हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। ये छोटा सा लॉन टाइप का बना हुआ है बाहर के साइड में, जब फेयरवेल या फ्रेशर्स वगैरह होते हैं तो यहीं पे जो भी खाना लंच वगैरह होता है, फ्रेशर फेयरवेल जो भी होता है उस वक्त, तो यहीं पे सारे वो इंतज़ाम होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑडिटोरियम है इंजीनियरिंग फैकल्टी का। आप वहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑडिटोरियम है ये इसके अंदर। तो अभी ये भी बंद है तो इसके अंदर भी अभी हम फिलहाल नहीं जा सकते हैं, तो अभी आप बाहर से ही देखें। अभी हमें इंजीनियरिंग फैकल्टी के बैक साइड में जो अभी हमने आपको दिखाया ऑडिटोरियम और लॉन, और इसके भी हम आगे जब बढ़ते हैं तो बैक साइड में नज़ारा आप देख ही रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिपार्टमेंट है और बहुत ही मतलब प्यारा डिपार्टमेंट है यार, दिल आ जाता है इस डिपार्टमेंट पे। इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट ईयर इस डिपार्टमेंट में। तो खैर अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। इधर आप जो बैक साइड में देख रहे हैं ये भी एक पार्किंग है, यहाँ भी अब अगर प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं तो अपने बाइक को पार्क वगैरह कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ जो बताना था वो मैं भूल गया था कि जामिया खुद का बीटेक इंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता है, जेई मेंस के थ्रू होता है। लेकिन हाँ अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस के फॉर्म भरने के बाद जो जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको जामिया में भी अप्लाई करना होगा बीटेक के लिए, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आपको फिल करना होगा, जिसके बाद से जामिया अपना खुद कट ऑफ लिस्ट निकालता है। तो इस तरह करके आप जामिया में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट में आज की वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आप अगर जामिया में मतलब बीटेक जैसे इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर अगर आपको आना है तो आप गेट नंबर 5 या गेट नंबर 1 से आप एंट्री लेकर आ सकते हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड अभी आप सिर्फ गेट नंबर 1 से एंट्री ले सकते हैं, ओनली गेट नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आगे भी ब्लॉग्स बनाएं।